नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं की कार पर खड़े होकर किसान भाइयों से चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिला ग्राम सियाखा में किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि बाहर से फसलें हरी दिखती हैं पर खेत में अंदर जाकर देखो तो कुछ नहीं बचा है। प्रदेश में पृथ्वीपुर सहित जहां जहां भी फसलों को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को शीघ्रता से राहत राशि का भुगतान। मुख्यमंत्री चौहान ने खेतों में फसल का जायजा लेने के बाद किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि घबराना मत, मुसीबत का मिलकर मुकाबला करेंगे, आंख में आंसू मत लाना, सभी संकट से बाहर निकाल लूंगा। जहां जहां भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। यदि फसल का 50% से अधिक नुकसान हुआ है तो 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जाएगी। फसल बीमा का लाभ अलग से मिलेगा। साथ ही अल्पकालीन ऋण की वसूली स्थगित की जाएगी और अल्पकालीन फसल ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदला जाएगा। घर के सबके मिला के 33 जीवन धनिया क्या पट्टी घर चलेगी। 65 नंबर से चालू है ये आरोन के कौन से गांव में गड़ोए थे क्या तरह हमने पास वोट जी जी जीप चली जा कहां को गांव 15 दिन में इसको बाहर निकाल लाते थे। बाल तो निकलने लगे जी सर, जब खत्म हो गया। किसान ने सर 1700 की बोरी, 350 की बिया की बोरी, 300 की बीज की बोरी भाई। किसान ने अपनी बकरियां बेच के फसल बोई, जब किसान यहाँ पर आया तो ये लग रही थी आत्महत्या ना कर। अरे चिंता मत करो, कहाँ है वो किसान, वे होते परे की हालत देखी जो यहाँ लेटे थे वो बिल्कुल चिंता नहीं करे। अभी शाम तक ही उनको 50,000 रुपए की राशि अलग से दे दी जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नुकसान हुआ है 50% से ज्यादा नुकसान जिन किसानों का हुआ है उनको 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। लोन अगर लिया होगा तो कर्ज वसूली स्थगित करके अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन में बदल के उसका ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि किसान को कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी राहत उसको मिल जाए। अगर फसल के अलावा कबेलू और बाकी नुकसान भी होगा तो उसके लिए अलग से पैसे देंगे, उनकी राहत की राशि अलग से देंगे। और भगवान ना करे अगर हमारे मवेशियों को, गाय को, भैंस को, अगर वैसे भी कुछ जगह से घटना प्रकाश में आई है, गाय भैंस अगर मरे होंगे तो 30,000 रुपया देंगे और बछड़ा बछिया होंगे, भगवान ना करे लेकिन अगर मौत हो गई होगी तो उनके भी 10,000 देंगे। इंसान की मौत भी हुई है तो वहां भी 4,00,000 रुपया देंगे। कष्ट में और तकलीफ में सरकार आपके साथ खड़ी है। और फसल बीमा योजना जिनने करवाई उनका पैसा अलग मिलेगा 25% नुकसान का। पहले कंपनियों से हम कह रहे हैं कि पहले दो और आकलन के बाद फिर बाकी 75%। तो आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, मुसीबत है लेकिन इसी मुसीबत के दिन तो के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिशुपाल को आपने विधायक बनाया है, काय के लिए बनाया है, इसलिए कि हम कष्ट में आपके साथ खड़े रहे। तो आंखों में आंसू मत लाना, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, यही कहने में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।